गीत बजा था और से बजा के और बजा और कहा फिल्मी दुनिया वालों ने क्या क्या भैया बाबूलाल जी सुनिएगा सुनिए सुनिए उल्ला पिला दे गीत कह रहा है क्या कह रहा है अरे दिल में चुभा जो कांटा छलका आंसू और जा पहुंचा भोपाल में समझो 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 आंसुओं की रफ्तार देखिए बस दिल में चुभा जो काटा जा निकला गुलाब में अरे आंख से छलका आंसू तो जा निकला जानते हैं क्या क्योंकि विगत कई वर्षों से जन्माष्टमी के अवसर पर ये कार्यक्रम होता चला आ रहा है हमारे भैया बबलू भदौरिया जी के सौजन्य से तो आप लोग जानते हैं क्या कि वसुदेव जी और देवकी का विवाह हुआ हुआ बेटे हुआ कंस अपनी बहन देवकी को इतना प्रेम करता था कि वो जब अपनी बहन की विदाई कर रहा है तो स्वयं रथ चला करके अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा है रास्ते में आकाशवाणी हुई अरे मूर्ख जिससे तू इतना प्रेम कर रहा है आगे चलकर इसी देवकी के गर्भ का आठवां लाल तेरा काल बन जाएगा और जब ये आकाशवाणी कंस ने सुनी तो जिसको वो इतना प्रेम करता था अचानक उसके प्रति उसका मन बदल गया और जब मन बदला तो देखे कंस ने किया क्या अरे घटी अनोखी घटना बहुत सही बने
आकाशवाणी सुनी कंस ने तो घटी अनोखी घटना एक जरा सी बात में घटी अनोखी घटना अरे जरा बात ही बात में तो किया गया कि महल से निकली दुल्हन यानी उसकी बहन विदा कराने विदा करा करके उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था लेकिन जरा बात ही बात में तो महल से निकली दुल्हन और पहुंची हवालात में महल से निकली दुल्हन और पहुंची हवालात में वसुदेव और देवकी को कंस ने दोनों को बंदी बनवा करके कारागार में डाल दिया। अब कारागार में डाल दिया भैया बाबूलाल जी पंक्ति मेरी कह रही कि महल से निकली दुल्हन और पहुंची हवालात में। अब मेरे गाने का क्रम यहीं से चला, गाने को सुनिएगा ध्यान से। तो महल से निकली दुल्हन और पहुंची हवालात महल से निकली दुल्हन और पहुंची हवालात महल से निकली दुल्हन और पहुंची हवालात आइए सुनिए पहली बात कैसे आखिर ये सब क्यों हुआ क्यों और आगे क्या बड़ी घटना घटित होने वाली थी क्या बेटे क्या ये परमात्मा की लीला कोई नहीं जान पाया है। तो पंक्ति कह रही है क्या देव की कृपा से उस देव की कृपा से वसुदेव देव की और देव की सोचती इच्छा ये देव की क्या बात है क्या बात देव की सोच रही मेरे साथ जो हो रहा है ये शायद उस परमात्मा की इच्छा है। मेरे भाई ने मेरे अपने भाई ने मुझे बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। देव की सोचती इच्छा ये देव की तो कहने लगी के घनश्याम जो छाए जय हो जय काली अंधेरी रात आई बड़े भैया के घनश्याम जो छाए जय हो जय तो घनश्याम आए उस काली अंधेरी रात में कन्हैया आए अवतार लेकर के और जब आए तो कहना है घनश्याम जो छाए जय हो जय घनश्याम आए जय हो जय तज रूप चतुर्भुज बंदी ग्रह आए भगवान विष्णु अपना चतुर्भुजी रूप छोड़ के उस कारागार में उस मैया के लाल बन करके आए आए तो तज रूप चतुर्भुज बंदी ग्रह आए। अब पहली लाइन खुली थी कि महल से निकली दुल्हन पहुंची हवालात में। अब देखो हवालात से फिर कहानी शुरू हुई। अरे तज बैकुंठ से आए श्री हरि विष्णु अरे तज बैकुंठ से आए तज बैकुंठ से आए भादो की उस रात में भादो की उस रात
उसी कारागार से हाँ। तो जेल से लेके बालक वसुदेव जी हाँ। क्योंकि एक के बाद एक पुत्रों को मारता चला जा रहा था कंस बिल्कुल हाँ। वो दुष्ट कंस माता ने सोचा कि आखिर आठवें लाल को कैसे बचा पाऊंगी मैं तो अपने पुत्र को सुरक्षित बचाने के लिए रातों रात वहां से निकाल दिया तो मेरी पंक्ति कह रही है अरे तजबे कुंठ से आए वो भादों की उस रात में तो वसुदेव जी अरे जेल से लेके बालक जेल से लेके बालक गए रात ही रात में महल से कारागार में आए अब कारागार से पहुंच रहे देखो कहां कहां जेल से लेके बालक गए रात ही रात में जेल से लेके बालक गए रात ही रात में गोकुल जब पहुंचे वहां क्या हो रहा है बेटे क्या हो रहा आनंद के घर आंगन में आनंद के घर वो आनंद मनाए बाबूलाल भैया आनंद के घर वो समझते रहिए आनंद मनाए आनंद के घर आनंद मना रहे हैं क्या बात क्यों कैसे मना रहे हैं कैसे आनंद सहित जब परमानंद परमानंद तो दूसरी माँ जो प्रतीक्षा में है देखा कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है और जब प्रातः काल यशोदा मैया ने देखा पालना सुला के हो जाए पालना सुला के हो जाए वो सुगर लाल ना हो जाए पालना सुला के वो सुगर लाल ना हो जाए और वसुदेव जी ने कन्हैया को वहीं लिटाया बालिका को लाए मन में मलाल ना बालिका को लाए मन में मलाल ना तो गाने के क्रम को देखते जाइएगा महल से हवालात हवालात से गोकुल अब गोकुल से फिर लेके कन्या चल पड़े तो मेरी लाइन बोल रही है क्या बालिका को लाए मन में मलाल ना कन्हैया को पालने में लिटा दिया और उस कन्या को लिया तो लिटा पालना हरि को अरे पहुंचे रात ही रात में कहां पहुंचे अरे पहुंचे रात ही रात में कि गोकुल से लेके कन्या फिर आए हवालात में मैटर ये है जहां से गए थे वहीं फिर आ गए बिल्कुल गोकुल से लेके कन्या फिर आए गोकुल से लेके कन्या फिर आए हवालात में
सूचना मिली कि आठवां पुत्र जन्म ले चुका है। बिल्कुल आठवां पुत्र जन्म ले चुका है, तो कंस विचार करने लगा क्या बेटे क्या। आठवीं ही तिथि थी, छोटा बेटे छोटा कंस सोच रहा है क्या, क्या? मनोज भाई ध्यान दीजिए। आठवीं तिथि थी वो लाल आठवां, आठवें लाल का वो काल आठवां, आठवें लाल का काल बन के जा रहा था कंस, लेकिन हुआ क्या, क्या? सोचने लगा क्या? नारद जी ने बताया था कि अगर इधर से गिनो तब भी आठ होते हैं, वहां से गिनो तब भी आठ होते हैं, इसलिए मैंने एक एक करके सारे पुत्रों को मार दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कैसा कैसा क्या अंक गलत था। कंस विचार करने लगा, अरे क्या अंक गलत था या अंक तालिका। मामा जी, अरे क्या अंक गलत था या अंक तालिका। जय हो जय। हो ना था बालक हो गई बालिका। क्या बात, आठवां लड़का होना था, लड़की कैसे आ गई। मामा जी का दिमाग काम नहीं कर रहा था तब। कंस मामा, तुम अपने मामा समझोगे। अरे वाह, हमारे भैया श्री जागेश्वर निषाद जी, आप जौरा से पधारे हैं, आपकी तरफ से ये 11 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बेंगलोर से धन्यवाद है। सुने गाने को, तो क्या अंक गलत था या अंक तालिका। जय हो जय। हो ना था बालक हो गई बालिका। तो कंस ने देखा क्या, सोचने का ऐसा तो नहीं कि लड़का लड़की का रूप बना के आ गया हो। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता बेटे, ना जिंदगी का सवाल है। तो उस कन्या को उठाया और बड़ी निर्ममता से किया क्या, क्या? जेल से लाए कन्या, वाह बेटे वाह, तो जेल से लाए कन्या। भाई साहब, अरे जेल से लाए कन्या तो गई कंस के हाथ में। वो कन्या, अरे गई कंस के हाथ में, और कंस के हाथ में भी नहीं रह पाई। फिर हाथ से छूटी कन्या, फिर हाथ से छूटी कन्या गई विंध्याचल साक्षात में। वही देवी विंध्याचल पर्वत पर आज भी माँ विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती हैं। क्या बात, क्या बात बेटे। तो हाथ से छूटी कन्या गई विंध्याचल साक्षात में, हाथ से छूटी कन्या गई विंध्याचल साक्षात में, हाथ से छूटी कन्या गई विंध्याचल साक्षात में। दरबार की जय हो। धन्यवाद है, ये हमारी ओर से प्रथम बड़ा प्यारा पहला गीत। वाह वाह, बहुत ही अच्छा। बहन राखी जी के द्वारा आप लोगों ने सुना है। बिल्कुल सुना है, सुना देखा भी।
बताया है आपने भगवान का अवतार हुआ जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो पहला गीत स्वाभाविक है, उसी हिसाब से आपने गीत दिया है और कहा क्या के ला पिला दे और भी भर के जा सागिया ये है ये साबात बैठ पीने वालों में लिख दे हर तू मेरा नाम सागिया गीत बजा गीत बहुत बजा अरे दिल में चुभा जो कांटा डबरू डबरू और कायदे से वो जा निकला गुलाब में ये और आग से छलका अरे आग से छलका आंसू बाकी आप लोग समझदार हैं बस, बस, बस कहने की कोई जरूरत नहीं बहुत बड़े 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 विद्वान यहाँ पर विराजमान हैं बिल्कुल बहन राखी जी की लाइन आ रही है के घटी अनोखी घटना घटी अनोखी घटना वो देखो बात ही बात में और हुआ क्या क्या महल से निकली दुल्हन और पहुंची हवालात में अच्छी जगह ध्यान गया है आपका वहीं पहुंचना चाहिए था महल से नहीं तो हमने जब आपने इस लाइन को कहा और इशारा किया कि महल से निकली दुल्हन पहुंची हवालात में तो हमने जवाब लिखना शुरू कर दिया कि महल से दुल्हन आई हवालात में जवाब की लाइन लिखी कि कोई अरे कोई जान सके ना कोई जान सके ना क्या विधि का अजब विधान है और वो हवालात से निकले और पहुंचे महल दरमियान लेकिन फिर आपने उस बात को अपने गीत में रख दिया कि वो वहां से हवालात पहुंचे हवालात से वहां पहुंचे फिर वहां से हवालात से वहां
इसलिए एक बात समझ में आती है। क्या बहन राखी जी? सुनिए, सत्य तो ये है क्या? के कोई जान न पाया भैया जी, आदरणीय महाराज जी, अरे कोई जान न पाया, हाँ कोई जान न पाया, कैसा विधिना का खेल है। ये है, ये सही बात है। मैं आपके आना जाना को यही खत्म किए देता हूँ। के कोई जान न पाया कैसा विधिना का हर जगत पिता के आगे, उस जगत पिता के आगे क्या महल और क्या जेल है। क्या बात, क्या बात, क्या बात भैया, कुछ नहीं लगता है। जहाँ उसकी कृपा होती है तो जगत पिता के आगे क्या महल और क्या है। जगत पिता के आगे क्या महल और क्या जेल है। जगत पिता के आगे क्या महल और क्या जेल है। क्यों? अरे जो राई को पर्वत करे, पर्वत को राई, क्या बात, उसके लिए क्या जेल है, क्या महल है। बिल्कुल, जिसकी सारी रचना है जो वही करता धरता है, अरे वही तो महल बनाने वाला है, वही जेल बनाने वाला है, वही जेल में जाने वाला है, वही जेल से निकालने वाला है, वही तो सब कर रहा है। बिल्कुल बहन राखी जी, अरे करुणा क्रंदन सुन, ये एक एक शब्द को आप लोग सुनिएगा। बिल्कुल, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। करुणा क्रंदन सुन, करुणा क्रंदन सुन, कृपा कोर है करते धरती पर अपने पावन पग धरते। वो परमात्मा हो तो वो ऊपर वाले जय हो जय, वो ऊपर वाले जय हो जय, हैं भू पर आते जय हो जय, वो ऊपर वाले जय हो जय, हैं भू पर आते हो जय, नर बन नारायण लीला दिखलाते। ऊपर वाले भू पर आते, नरपन नारायण लीला दिखलाते। क्यों? क्यों आना मजबूरी है उनकी। आदरणीय दादाजी, आना परमात्मा की मजबूरी है। क्यों? क्यों के भक्त और भगवान का जय हो। बहन राखी जी, बहन जी हाँ, इधर देखिए। अरे दिन भर तो आराम किया, इधर भी तकिया लगा रही हूँ। भक्त और भगवान
मन का सदियों से अनोखा मेल है ये। उस जगत पिता के आगे ना महल और ना उस जगत पिता के आगे ना महल और ना देर उस जगत पिता के आगे ना महल और ना देर ये। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं वचनबद्ध हैं भगवान, अरे अपने भक्तों को वचन दिया, इसलिए तो कहा गया है कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वो मां माता धरा जिस मां ने भगवान के लिए अपने स्तन काट करके दान कर दिए थे, भगवान ने वचन दे दिया था जाओ मां हरे तुमने मेरे लिए अपने स्तन काट करके दान कर दिए हैं, द्वापर में मैं तुम्हारे स्तन पान करूंगा, जय हो, तुम्हारा पै पान करूंगा। तो श्री मान ने कीन्हा जी, श्री मान ने कीना है मानो धरा का, वो धरा मां श्री मान ने कीना है मानो धरा का कीना है इस पर भगवान वचन पालने के लिए वही मां धरा यशोदा बनकर के आई, द्वापर में यशोदा बनकर के आई। भगवान माता यशोदा के पास पहुंच गए, देवकी मैया को रुलाते हुए कहा मां मैं तुम्हारा दूध नहीं पी सकता क्योंकि मैंने वचन किसी और को दिया है। जय हो जय हो जय हो। तब सब हार हरी पर वो माता यशोदा सब हार हरी पर जय हो जय मुख चंद्र निहारे जय हो जय सब हार हरी पर जय हो जय मुख चंद्र निहारे जय हो जय खुद पड़े पालने जग पालन हारे। अरे आज वो पालने वाले जग को पालने वाले आज पालने में झूल रहे हैं, पालने में पड़े हैं वचन के खातिर खुद पड़े पालने जग पालन हारे। क्यों के ढल के समय सांचे में वो परम पिता परमात्मा, अरे अपने भक्तों के खातिर ढल के समय सांचे में ढल के समय सांचे में हर संकट लेता झेल है तो जगत पिता के आगे क्या महल और क्या देर। जगत पिता के आगे क्या महल और क्या देर। जगत पिता के आगे क्या महल और क्या देर। अंतिम लाइनें सुनिए सुनिए ओ ओ ओ ओ ओ ये। जब भार पाप का इस धरा पे आया तब सोलह कला से
हो माया भी कोई हर जान पाया ये। और केवल पुत्र नहीं केवल पुत्र नहीं अरे स्वामी सखा सेवक बन सभा बेटा सभा 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 बहुत अच्छे अब स्वामी सखा सेवक बन स्वामी सखा सेवक बन हर कैसा मिलाया मेल है कैसा मिलाया मेल है जगत पिता के आगे क्या मेल और क्या देर जगत पिता के आगे क्या मेल और क्या देर जगत पिता के आगे क्या मेल और क्या देर अब जगत पिता के आगे क्या मेल